लाइवलिंग डिस्कनेक्टेड करके ऐसा कोड आया दोस्तों आपके मशीन में, अगर लाइवलिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कैनवस आया है तो क्या क्या करेंगे हम। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले 5 एम्पेयर का फ्यूज देखेंगे दोस्तों। ये है 5 एम्पेयर का फ्यूज, ये देख सकते हैं, ये हमारा लाइवलिंग का फ्यूज है, लाइवलिंग ECU का फ्यूज है दोस्तों, ठीक है। तो ये फ्यूज देखने के बाद अगर ये फ्यूज ओके होगा तो सेकंड स्टेप में हम दोस्तों लाइवलिंग का ECU देखेंगे। ये ECU लाइवलिंग का देख सकते हैं, वो अंदर वो हमारा लाइवलिंग का ECU है। लाइवलिंग का ECU देखने के बाद अगर वो भी ओके है, उसका भी सॉकेट ओके है, उसका भी निकाल के हमने देखा सॉकेट अगर ओके है उसका, तो थर्ड स्टेप पे हम दोस्तों, ये एक सॉकेट रहता है दोस्तों, ये पिनल हार्नेस की तरफ जाता है, देख सकते हैं पिनल हार्नेस। तो ये सॉकेट भी ओके है, तो आई थिंक अगर ये सॉकेट भी ओके रहा तो आपको आपका जो ECU है लाइवलिंग का वो फॉल्टी हो गया है ऐसा समझ लो। और अगर सॉकेट लगाने के बाद वो ओके रहा, ये सब कुछ चले गया, तो समझ लो आपका ECU ठीक है। अभी लगा के देखिए मैम, ठीक है।